अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से आने वाली कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और इसके साथ आपने अपने जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह करना है और उनका एप्लीकेशन क्राइटेरिया आपसे डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, सो उसे डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास जो पोस्ट है वो है एक्सटेनोटाइपिस्ट की पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है इंटरमीडिएट, और शॉर्ट हैंड स्पीड टाइपिंग स्पीड जो है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और उनको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। उसके बाद इनकी एज की रिक्वायरमेंट है 18 to 30 ईयर्स। और फिर हमारे पास जो पोस्ट आती है वो है एक रिसर्च असिस्टेंट की जॉब, जिसके लिए सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैट्स या मैथ्स में, और इनको पश्तो और बलोची पढ़ना और लिखना आनी चाहिए। इनके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है 18 to 30 ईयर्स। फिर हमारे पास आ जाती है जी UDC की पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, और इनको भी कंप्यूटर का लिटरेट होना ज़रूरी है। उसके बाद इनकी एज रिक्वायरमेंट 18 to 30 ईयर्स। फिर हमारे पास आ जाती है जी LDC की पोस्ट, जिसके लिए मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड 30 VPM, और कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, और इसके बाद इनकी एज लिमिट भी 18 to 30 ईयर्स। फिर जो है इंफॉर्मेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास डिटेल्स है नंबर वन है, तो सबसे पहले जो हमारे पास डिटेल्स है नंबर वन पे, वो कह रहे हैं कि आप इनकी इस पोस्ट के अलावा और भी कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स www.moib.gov.bk पर, या तो इनका नेशनल जॉब पोर्टल जो है www.njp.gov.bk पर जा सकते हैं। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन नेशनल जॉब पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन सेंड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच करता होगा, उनको इंटरव्यू कॉल दी जाएगी। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, तो आपने अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिनमें आ जाएगा आपका CNIC, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल्स और एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं फॉर योर इंटरव्यू। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी अपनी जो है सीट्स जो हैं पोस्ट वो कैंसिल कर सकती हैं, या उन्हें कम कर सकती हैं या इंक्रीज़ कर सकती हैं, और आपको रीज़न बताए बगैर कर सकती हैं। ठीक है, कैंडिडेट जो हैं उनको अपनी एज में जो है रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, अबव 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन फॉर द ओल्ड एज पर्सन्स। अच्छा, और फिर वो कह रहे हैं कि अगर जो है कुछ कैंडिडेट पर्सन्स अच्छा और फिर वो कह रहे हैं कि अगर जो है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट से एक परमिशन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे फॉर देयर टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जो सबमिशन की डेट है, लास्ट डेट वो 18 सितंबर है। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे जाना है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, और जहाँ पे जॉब करियर्स का ऑप्शन होगा वहाँ पर आपने जाना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा इनकी न्यू एडवर्टीजमेंट। सो नंबर वन पे वेट अ मिनट, नंबर वन पे हमारे पास ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीन आ जाएगी, आपने उसे फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना कैंडिडेट नेम और पोस्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है, अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, जेंडर, डोमिसाइल, ये सब कुछ आपने ऐड करना है। उसके साथ आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये जो बॉक्स है इसे जो है फिल करना है, अपने एक्सपीरियंस का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपने फिल करना, अपनी डिटेल्स, अपनी स्किल्स, क्वालिफिकेशन फिल करनी, अपने एड्रेस, पोस्टल एंड परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। इसके बाद जो है आपने अपने इंटरव्यू के लिए जो है प्रेफर स्टेशन जो है सिलेक्ट करना है, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एंड क्वेटा आ रहा है। इसके बाद जो है आपने अपना सिग्नेचर्स करने हैं, एंड दैट्स इट। आप इसे सबमिट करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nip.gov.bk पे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर देयर न्यू जॉब्स, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।